हेलो गाइस, आई एम अनन्या ठाकरे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ओडीआई मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है इंडिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या रहेगी आज की मैच की पिच रिपोर्ट, क्या रहेगी मेरी ड्रीम इलेवन टीम, कौन सा प्लेयर रहेगा इंपॉर्टेंट और कौन सा प्लेयर्स रहेंगे फ्लॉप उसके बारे में, और मैं आपको दो टीम ओपन करके बता दूंगी वीडियो के एंड में, और एक न्यूजीलैंड के फेवर में और एक इंडिया वुमेन के फेवर में। उससे पहले मैं आपको एक एक प्लेयर्स का अच्छे से समझा दूंगी, कौन सा प्लेयर किस कंडीशंस में रहने वाला है इम्पोर्टेंट और कौन सा प्लेयर किस कंडीशंस में रहने वाला है फ्लॉप उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की पिच रिपोर्ट की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच खेला जाने वाला है, और इस पिच पे जो टीम पहले बैटिंग करती है उनका जीतना कंफर्म है। अब बात करते हैं पिच पे हेल्प किसको मिलेगी। पिच पे जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनको तो हेल्प है ही है, बैटिंग करने वाले टीम को हेल्प है, लेकिन कुछ स्पिनर्स भी हैं जिनको यहाँ पे हेल्प है, स्पिनर को सूट है, और एक दो स्पिनर्स हैं जो कि आगे मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हुए दिखाई देंगे आज के मैच में, और मैं उनको भी लेने वाली हूँ अपनी टीम में, लेकिन उनके भी कंडीशंस हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। तो पिच रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ था नहीं, आगे अब बात करते हैं आज के मैच की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं लास्ट मैच की। लास्ट मैच का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो एकदम अल्ट्रा मेगा क्लीनशिप हुआ, कर को मैं कैप्टन बना करके दी थी। मैंने बोला था कि कर फर्स्ट बॉलिंग में विकेट लेंगी और चेस करते हुए रन भी बनाएंगी, और कैप्टन भी बनी वो, और कर को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बना करके दी थी। अब मैं आपको लास्ट मैच की टीम दिखा देती हूँ, डायरेक्ट मैं अपने चैनल पे आपको लेके चलती हूँ और वहीं पे मैं आपको टीम दिखा देती हूँ अपनी। ओपन हो गया टेलीग्राम चैनल, और ये देखिए ये मेरी टीम थी, यस्तिका भाटिका, भाटिया, हेमलता, हॉलीडे, एस वर्मा, दीप्ति शर्मा, एकर, यादव, आर यादव, ठाकुर और रेड्डी, कार्सोन, रेणुका सिंह ठाकुर, ओनली वन प्लेयर रेणुका सिंह ठाकुर, बस एक ही प्लेयर इसमें मैच में फ्लॉप हुई थी, और इस टीम में बस एक दो प्लेयर्स चेंज करके ग्रैंड लीग जीते, मेरे यूजर्स ग्रैंड लीग जीते, और ये देख सकते हैं आप ये टीम। और थंबनेल में ही मैं पहले ही लिख देती कि कर और दीप्ति कौन बनेगा कैप्टन वाइस कैप्टन, तो थंबनेल देख करके ही मेरे यूजर्स समझ गए होंगे मैच को। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए टेलीग्राम पे देखिए रिजल्ट, और वीडियो भी जाकर के आप देख सकते हैं। और जैसा लास्ट मैच में अल्ट्रा मेगा क्लीनशिप हुआ, वैसे ही आज के मैच में भी अल्ट्रा मेगा क्लीनशिप हो सकता है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब बात करते हैं आज के मैच की। सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर्स की। विकेट कीपर्स में एम ग्रीन है, जो कि न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से 6 नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी, और ये चेस करते हुए चलेंगी। फर्स्ट बैटिंग में इनको ड्रॉप करके चलिए, फर्स्ट बैटिंग में ये फ्लॉप हो जाएंगी, चेस करते हुए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। एक दो जीएल की टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनको ड्रॉप कर दीजिए। अब बात करते हैं यस्तिका भाटिया की। यस्तिका भाटिया का सिलेक्शन 92% है, और ये इंडिया वुमेन की तरफ से 1 डाउन बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 3रे नंबर पर, और ये चेस करते हुए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इंडिया वुमेन की तरफ से ये विकेट कीपिंग भी करती हैं, तो चेस करते हुए ये रन बना सकती हैं। फर्स्ट बैटिंग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इनको आप दोनों ही कंडीशन में लीजिए, क्योंकि ये विकेट कीपिंग भी करती हैं और 1 डाउन बैटिंग भी करती हैं, तो इनके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इनके साथ जाइए। स्मॉल लीग टीम में तो इनको बिल्कुल ड्रॉप करके मत चलिए, आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो बिल्कुल इनको लीजिए। अब बात करते हैं आई गेस की। आई गेस का सिलेक्शन है 2%, और आज के मैच में 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से, और आज के मैच में ये चेस करते हुए इम्पोर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट बैटिंग में आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, और न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से विकेट कीपिंग भी अभी यही कर रही हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यस्तिका भाटिया के साथ जाइए, और ज़्यादा उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक चीज़ और भी है, जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उनके विकेट कीपर्स के साथ भी आप जा सकते हो, अगर इंडिया वुमेन पहले बॉलिंग कर रही है, चेस कर रही है इंडिया वुमेन, तो आप यस्तिका भाटिया के साथ जाइए, और अगर न्यूजीलैंड वुमेन पहले
बॉलिंग कर रही हैं, तो आप आईएएस के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन में सबसे पहले स्मृति मंदना है, जिनका सिलेक्शन 52% है, और आज के मैच में इंडिया वुमेन की तरफ से ये ओपनिंग करेगी, और आज के मैच में ये फर्स्ट बैटिंग करते हुए चल सकती हैं। सेकंड बैटिंग करते हुए आप उनको छोड़ दीजिए, चेस करते हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, फर्स्ट बैटिंग में ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब बात करते हैं एस वेट्स की। एस वेट्स न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगी, फर्स्ट बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगी, रन से पॉइंट्स लेकर के दे सकती हैं आपको। हालांकि ये बॉलिंग भी करती हैं, तो ये दोनों ही बॉलिंग से दोनों ही कंडीशन में चल सकती हैं। अब बात करते हैं शेफाली वर्मा की। शेफाली वर्मा का सिलेक्शन 78% है, और ये ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगी इंडिया वुमेन्स की तरफ से, और फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट रहेंगी, सेकेंड बैटिंग में आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, चेस करते हुए इनको ड्रॉप कर दीजिए। अब बात करते हैं जेमिमा की। जेमिमा का सिलेक्शन 31% है, और ये इंडिया वुमेन की तरफ से 5वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी, सेकेंड बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगी चेस करते हुए, फर्स्ट बैटिंग में आप इनको ड्रॉप कर दीजिए। अब बात करते हैं होलीडे की। होलीडे का सिलेक्शन 66% है, और न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से 5वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी, और आज के मैच में चेस करते हुए इंपॉर्टेंट रहेंगी, फर्स्ट बैटिंग में ये नहीं चलेंगी, फर्स्ट बैटिंग में आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, चेस करते हुए आप इनको ले सकते हैं, 5वें नंबर की बल्लेबाजें। अब बात करते हैं जीप लीमर के। जीप लीमर का सिलेक्शन 25% है, और न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगी, और फर्स्ट बैटिंग में ये चलेंगी, सेकंड चेस करते हुए आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, सेकंड बैटिंग में ये नहीं चलेंगी, चेस करते हुए आप इनको अपनी टीम में मत लीजिए, सिलेक्शन कम है। अगर फर्स्ट बैटिंग है न्यूजीलैंड वुमेन की तो आप इनके साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप इनको ड्रॉप कर दीजिए। अब बात करते हैं एल डाउन का सिलेक्शन बस 3% है, और ये सेकेंड बैटिंग करते हुए चेस करते हुए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, नहीं तो ये आज के मैच में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगी, फर्स्ट बैटिंग में सेकेंड बैटिंग करते हुए रन बना सकती हैं ये, तो अगर चेस कर रही है न्यूजीलैंड वुमेन तो इन पे ध्यान रखिएगा, इनको ज़रूर पिक कीजिएगा, इनका सिलेक्शन बहुत कम है, एक बहुत अच्छी पिक रहेंगी ग्रैंड लीग के लिए। अब बात करते हैं हेमलता का। हेमलता का सिलेक्शन बस 5% है, और इंडिया वुमेन की तरफ से 4th नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगी, और फर्स्ट बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगी, चेस करते हुए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी ये। अब बात करते हैं तेजल हसविंस की, जिनका सिलेक्शन 22% है, और इंडिया वुमेन की तरफ से 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी, 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी, और ये चेस करते हुए इंपॉर्टेंट रहेंगी, फर्स्ट बैटिंग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं अपनी टीम में। तो बैटिंग सेक्शन का एक एक प्लेयर्स का मैंने आपको बता दिया, कौन से प्लेयर्स किस कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कौन से प्लेयर्स किस कंडीशन में इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में सबसे पहले है एकर, जिनका सिलेक्शन 98% है, और ये दोनों ही कंडीशन में आज चलने वाली हैं, फर्स्ट बॉलिंग से ये विकेट ले जाएंगी और चेस करते हुए रन भी बनाएंगी। अगर न्यूजीलैंड वुमेन पहले बॉलिंग करता है तो मैं इनको कैप्टन बनाऊंगी, लास्ट मैच में भी पहले मैं बॉलिंग करते हुए मैं इनको कैप्टन बनाई थी और परफॉर्म भी की थी, देखिए 144 पॉइंट ले गई थी और कैप्टन बनी थी, और मैं भी इनको कैप्टन बनाई थी अपने टीम में और अपने टेलीग्राम चैनल पर ओपन दिया था। तो आज भी अगर न्यूजीलैंड वुमेन पहले अगर बॉलिंग करती हैं तो मैं इनको कैप्टन बनाऊंगी, बाद में बॉलिंग अगर करती हैं तो इनको वाइस कैप्टन बनाऊंगी। ये तो आज इंपॉर्टेंट रहने ही वाली हैं दोनों ही कंडीशन में। अब बात करते हैं एज कौर की। एज कौर इंडिया वुमेन की तरफ से 4th नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी, और बैटिंग से ये 11% सिलेक्शन है इनका, बैटिंग से ये फर्स्ट बैटिंग में चलेंगी, चेस करते हुए आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, और ये ऑलराउंडर में है लेकिन ये बॉलिंग नहीं करती हैं। अब बात करते हैं दीप्ति शर्मा की। दीप्ति शर्मा दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेंगी, दोनों ही कंडीशन में विकेट लेके दे सकती हैं, लेकिन अगर इंडिया चेस कर रहा है तो चेस करते हुए ये रन बनाएंगी, 6 नंबर पे ये बैटिंग करती हैं, चेस करते हुए रन बनाएंगी और फर्स्ट बॉलिंग में ये विकेट ले जाएंगी। अगर इंडिया वुमेन पहले बॉलिंग कर रहा है तो मेरी कैप्टन दीप्ति शर्मा होगी, और अगर न्यूजीलैंड वुमेन पहले बॉलिंग कर रहा है तो मेरी कैप्टन एकर होगी। अब बात करते हैं सोफी डिवाइन की। सोफी डिवाइन का सिलेक्शन 32% है, और 4th नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से, और ये बॉलिंग अभी नहीं कर रही है काफ़ी टाइम से, लास्ट मैच में भी ये बॉलिंग नहीं की थी और वर्ल्ड कप से ही बॉलिंग नहीं कर रही है ये, तो अगर बैटिंग से
फर्स्ट बैटिंग में इम्पोर्टेंट रहेंगे, चेस करते हुए आप इनको अपनी टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। बस अब ऑलराउंडर्स का हो गया, ऑलराउंडर्स में अब कोई है नहीं। अब मैं अब आते हैं बॉलर्स की बात करते हैं। बॉलर्स में सबसे पहले है ई कार्सोन का सिलेक्शन 91% है और ये सेकेंड बॉलिंग में इम्पोर्टेंट रहेंगे। सेकेंड बॉलिंग करते हुए न्यूजीलैंड अगर सेकेंड बॉलिंग कर रहा है, फर्स्ट बैटिंग है उनकी, तो सेकेंड बॉलिंग करते हुए ये विकेट ले जाएंगी। फर्स्ट बॉलिंग में आप इनको ड्रॉप कर दीजिए। रेणुका सिंह ठाकुर का सिलेक्शन 35% है और ये सेकेंड अगर बॉलिंग करती हैं इंडिया वुमेन, तो मैं इनको आज कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगी। सेकेंड बॉलिंग करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी, जबकि फर्स्ट बॉलिंग में ये इनको आप ड्रॉप कर दीजिए। अब बात करते हैं एल ताहू का सिलेक्शन 3% है और ये फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और सेकेंड बॉलिंग में आप इनको ड्रॉप कर दीजिए। फर्स्ट बॉलिंग में ये ज़्यादा विकेट ले जाएंगे, सेकेंड बॉलिंग में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी ये, अगर खेलेंगी तो। वैसे इनका खेलने का चांस कम है, फिर भी मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट प्लेयर है, फर्स्ट बॉलिंग में विकेट ले सकती हैं ये। सेकेंड बॉलिंग करते हुए इनको छोड़ दीजिए। हम बात करते हैं राधा यादव का सिलेक्शन 87% है और राधा यादव का लास्ट मैच में मैं आपको बताई थी कि मैं इनको दोनों ही कंडीशन में लेने वाली हूँ और कैप्टन वॉइस कैप्टन भी बनाने वाली हूँ। और देखिए 98 पॉइंट ली थी, वॉइस कैप्टन बनी थी ये। तो न्यूजीलैंड क्या है, न्यूजीलैंड वुमेन में सब राइट हैंडर्स बल्लेबाज हैं और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर होने की वजह से इनको विकेट दोनों ही कंडीशन में मिलेंगे और इनका आज भी कैप्टन वॉइस कैप्टन बनना पक्का है। तो ये दोनों ही कंडीशन में चलेंगे, ध्यान रखिएगा इनके ऊपर। इनका सिलेक्शन 87% है। एफ जोनस खेलती हैं तो आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगी दोनों ही कंडीशन में, जैसे राधा यादव इंपॉर्टेंट है। अगर खेलती हैं तो आप इनको दोनों ही कंडीशन में ले लीजिएगा। ये भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इंडिया में कुछ राइट हैंडर्स बल्लेबाज हैं, तो इसकी वजह से इनको दोनों ही कंडीशन में विकेट्स मिल सकते हैं। तो एफ जोनस के ऊपर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जेकर का सिलेक्शन 79% है और ये सेकेंड बॉलिंग में इम्पोर्टेंट रहेंगी, जबकि फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगी। अब बात करते हैं ए रेड्डी दोनों ही कंडीशन में इम्पोर्टेंट रहेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट बॉलिंग में रहेंगी ये। अब बात करते हैं एम पेनफोल्ड का सिलेक्शन 4% है और ये आज सेकेंड बॉलिंग में इम्पोर्टेंट रहेंगे, जबकि फर्स्ट बॉलिंग में ये विकेट लेस जा सकती हैं। अब बात करते हैं साइमा ठाकुर सेकेंड बॉलिंग करते हुए इम्पोर्टेंट रहेंगी। लास्ट मैच में भी सेकेंड बॉलिंग इंडिया की थी तो ये विकेट लेकर के गई थी, तो सेकेंड बॉलिंग करते हुए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट बॉलिंग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब मैंने आपको एक एक प्लेयर्स का समझा दिया और मेरी जो टीम होगी मैं आपको एक एक प्लेयर्स का समझा दी कौन सा प्लेयर किस कंडीशन में इम्पोर्टेंट रहने वाला है और कौन सा प्लेयर किस कंडीशन में इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं टीम्स की। मैं दो टीम आपको ओपन करके दिखाऊंगी, एक न्यूजीलैंड वुमेन के फेवर में और एक इंडिया वुमेन के फेवर में। और यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करती है उनका जीतना पक्का है और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसी के फेवर में मेरी टीम होगी। तो अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग कर रहा है तो मेरी ये टीम होगी, आप देख सकते हैं। इसमें मैं आईगेस को ली हूँ विकेट कीपर में और हेमलता हॉलीडे और एस वर्मा। ऑलराउंडर्स में है दीप्ति शर्मा को मैंने वॉइस कैप्टन किया है और कैप्टन किया है एकर को। अब बात करते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स में लिया है मैंने आर यादव को, एस ठाकुर को, ए रेड्डी को और ई कार्सोन को और आर सिंह रेणुका सिंह ठाकुर को। तो ये मेरी टीम है अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग कर रही है तो, और मेरी टीम जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसी के फेवर में होगी। तो ये इंडिया वुमेन के फेवर में टीम है मेरी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ टीम 2। ये मेरी टीम 2 जिसमें मैंने लिया है विकेट कीपर में यस्तिका भाटिया को और इस वेट्स को लिया है बैट्समैन में और जेमिमा जी प्लेमर ये हो गए बैट्समैन। और अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में लिया है मैंने सोफी डिवाइन, दीप्ति शर्मा, एकर। दीप्ति शर्मा को मैं आपको पहले ही बताई थी कैप्टन करूंगी अगर पहले बॉलिंग करती है इंडिया वुमेन तो, चेस कर रही है तो, और एकर। और यहाँ से बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में लिया है मैंने आर यादव को, जेकर, ई कार्सोन और एम पेनफोल्ड। ये है मेरी न्यूजीलैंड के फेवर में टीम। अगर न्यूजीलैंड वुमेन पहले बैटिंग कर रही है तो ये मेरी टीम रहेगी टीम 2। और
टीम वन इंडिया वुमेन के फेवर में, और ये मेरी दो टीम हो गई। और आज के वीडियो में बस इतना ही। इस टीम का जो भी फाइनल अपडेट्स होगा, मेरी जो फाइनल टीम होगी, वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन करें, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं पे मिलेगी। इस टीम में कोई भी चेंजेस होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके का वीडियोज़ देखने के लिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर कोई सा मैच का वीडियोज़ नहीं आता है, मेरे बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं दे पाई, तो उसकी फाइनल टीम या टीम जीएल टीम स्मॉल लीग टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। और हाँ, आज जो कबड्डी मैच होने वाला है, सेकेंड जो कबड्डी मैच है, उसकी टीम उसकी वीडियो मैं आपको दूंगी इस मैच के लाइनअप के बाद। ये मैच का लाइनअप ख़त्म जैसे ही होगा वैसे ही वो मैच की वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जाइए और देखिए, इस लाइनअप के बाद जाइए और देखिए, मेरा कबड्डी में प्रिडिक्शन बहुत अच्छा जा रहा है। आप भी जाइए देखिए और टीम लगाइए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। और अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। टेक केयर।